नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल खुशबू टेक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब्सक्राइबर हाइड करने से क्या होता है। जो हमारा सब्सक्राइबर होता है वो हम अपना चैनल पे अगर छुपा लेते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, और वो हम अपना सब्सक्राइबर लोगों को दिखाते हैं, जो भी हमारा ऑडियंस है उनको हमारा सब्सक्राइबर दिखता है तो इससे क्या नुकसान होता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्सक्राइबर हाइड करने से क्या होता है। तो अगर आप न्यू क्रिएटर हैं, अगर आपका चैनल पे 10, 20, 100, 50 इस तरह का सब्सक्राइबर अगर आपके चैनल पे है और व्यूज भी उसी के अकॉर्डिंग आता है, 10, 20, 50 आपका चैनल पे व्यूज आता है, तो आपका वीडियो पे कितना भी अच्छा आप कंटेंट बना ले, कितना भी अच्छा आप वीडियो बना ले, फिर भी आपका अगर चैनल पे कोई ऑडियंस आता है और आपका चैनल पर सब्सक्राइबर और फिर आपका व्यूज देखता है तो उससे क्या होता है कि उनको ये समझ में आता है कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आप अपना वीडियो पे अच्छा चीज नहीं बता रहे, इसीलिए आपका सब्सक्राइबर कम है और आपका चैनल पे व्यूज कम आ रहा है। ये लोगों को दिमाग में चला जाता है और इसकी वजह से लोग आपका चैनल पे आते तो जरूर है लेकिन आपका वीडियो बिना देखे चले जाते हैं। तो ये हो गया नुकसान। और अगर आप अपना चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर है आपके चैनल पर तो उसको आप हाइड कर देते हैं तो जो भी आपका चैनल पे ऑडियंस आएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपका चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है, तो वो आपका वीडियो देखेंगे ही। तो अगर आप न्यू क्रिएटर हैं, आपका चैनल पे 100, 50, 200 इस तरह का सब्सक्राइबर है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आप अपना चैनल का जो भी सब्सक्राइबर है वो हाइड करके रखें। अगर आप अपना चैनल पर सब्सक्राइबर हाइड रख लेते हैं तो आपका ऑडियंस को पता नहीं चलेगा, और आपको ऑडियंस को पता नहीं चलेगा तो आपका वीडियो आपका चैनल पे आके देखेंगे और भी वीडियो देखेंगे उनको अगर अच्छा लगे तो। तो अब मैं आपको ये मोबाइल के स्क्रीन पे करके दिखाऊंगी कि आप अपना चैनल का सब्सक्राइबर हाइड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे हम अपना क्रोम ब्राउज ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज ओपन करने के बाद यहाँ पे हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे और इस तरह का आपका यूट्यूब खुल जाएगा। अगर आपका दूसरा आईडी यहाँ पे लॉगिन है तो ये लोगो पे क्लिक करके आप अपना ओरिजिनल आईडी यहाँ से लगा सकते हैं। जिस भी आईडी पर आपका यूट्यूब चैनल है और उसका सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हैं वो आईडी यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इसी तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड में इस तरह ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आपका ये लैपटॉप की तरह या फिर आपका कंप्यूटर की तरह ये खुल जाएगा, तो आप यहीं से सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का ये खुल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट में योर चैनल करके एक ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियो लिखा हुआ है, तो आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जनरल है और उसके बाद चैनल है, तो आपको चैनल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फो है, एडवांस सेटिंग है और फीचर एलिजिबिलिटी है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपको खुल के आएगा, तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है और नीचे जाना है यहाँ पे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट करके एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे देखिए टिक किया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि अपना सब्सक्राइबर हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए आपको ये टिक को हटा देना होगा, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से टिक हट जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है कि यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप अपना चैनल पे जाके देखेंगे तो आपका सब्सक्राइबर वहाँ पे नहीं दिखेगा, और वही आप YT स्टूडियो से अपना सब्सक्राइबर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका सारा कुछ शो हो जाएगा, लेकिन आप YouTube पे जाके अपना चैनल सर्च करेंगे और वहाँ पे सब्सक्राइबर चेक करेंगे तो वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इसी तरह आप अपना चैनल का सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना चैनल का सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं। अगर आप न्यू क्रिएटर हैं तो आप अपना सब्सक्राइबर हाइड रखें, और आपका चैनल पर अगर 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 2000, 3000 इस तरह का सब्सक्राइबर है तो आप अपना सब्सक्राइबर को ऑडियंस को दिखा सकते हैं, मतलब कि आपको हाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप स्टार्टिंग में अपना चैनल का सब्सक्राइबर हाइड रखेंगे तो ही आपके चैनल के लिए सही रहेगा। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि सब्सक्राइबर हाइड कैसे किया जाता है।
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।